आज से ठीक 3 साल पहले भारत में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी आग आज भी लोगों के दिलों में जल रही है। एक ऐसा दिन जो आज तक लोगों को उस मनहूस पल की याद दिलाता है जिसमें भारत ने अपने 40 वीर जवानों को खोया था। दिन था गुरुवार, साल 2019, तारीख 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइन डे का दिन, और समय करीब दोपहर के 3:30। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षा कर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब तक विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे ना सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के भी परखच्चे उड़ गए। यह हमला था या फिर कुछ और, यह बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते आतंकियों ने गोली बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग कर दी। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और हर तरफ गम का माहौल था और आंखों में बदले की आग। ये दिन अब भारतीय इतिहास में काले दिन की तरह मनाया जाता है। कश्मीर में जवानों पर हुआ 3 दशक का यह सबसे बड़ा हमला था। जैश ए मोहम्मद द्वारा अंजाम दिए गए इस हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। हमले को अंजाम देने वाला था 20 साल का आदल अहमद डार, जिसने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया था। इसने खुद को इस हमले में भी उड़ा लिया था। इस हादसे के बाद हिंदुस्तानी के दिल में बदले की आग दहक रही थी और हर किसी की जबान पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हुंकार उठने लगी। जिसके ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बम वर्षा की कि उसके आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकी मारे गए। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को नस्तानाबूद कर पुलवामा अटैक का बदला ले लिया। इन दो घटनाओं ने पाकिस्तान और भारत के बीच तानातनी खूब बढ़ा दी और साथ ही बीते दिनों के साथ साथ भारत ने पुलवामा अटैक में शामिल सभी आतंकियों को धीरे धीरे मार गिराया। धन्यवाद।